हरे कृष्णा। मैं आज आप सभी को श्रीनाथ जी की एक सत्य घटना पर आधारित एक कथा सुनाने जा रहा हूँ। कथा ऐसी है कि एक समय की बात है, श्रीनाथ जी में एक भक्त रहा करते थे जो कि तो बड़े प्रेम से उस श्रीनाथ जी का बड़ी प्रेम से लाड लड़ाते थे, अष्टयाम की सेवा किया करते थे और बड़े आनंद से श्रीनाथ जी को लाड लड़ाते थे। तो इनका नियम था कि ये उस समय पहले की बात है, तो उस समय गोवर्धन में इतना कुछ ज़्यादा वस्तुएं नहीं मिलती थी, उसके लिए मथुरा जाना पड़ता था। तो भक्त जो थे वे नित्य प्रति प्रातःकाल मथुरा जा करके श्रीनाथ जी के लिए पुष्प लाया करते थे और उन पुष्पों से फिर धागे से माला बनाकर श्रीनाथ जी को समर्पित करते थे। तो एक दिन वो मथुरा चले गए। सुबह सुबह फूलों की मंडी लगी हुई थी मथुरा में, तो उन्होंने देखा कि आज जो पुष्प वाले ने अपने टोकरी में बड़े रंग बिरंगे गुलाब लाए हैं। लाल गुलाब तो कहीं भी मिल जाते हैं, पर पीला गुलाब, सफ़ेद गुलाब बड़े मुश्किल से प्राप्त होता है। तो उसने टोकरी में सजाए हुए थे, तो उन्होंने उस भक्त को देखा और मन में ठान लिया कि आज अपने श्रीनाथ जी को माला चढ़ाएंगे तो इन्हीं फूलों की। और भक्त को इतना देर थोड़ी लगता है, मन में तुरंत आ जाता है कि भगवान को चढ़ाएं और मन से चढ़ा भी देते हैं। तो सांसारी आदमी में और भक्तों में यही फ़र्क है। आप कभी भी कहीं भी घूमने जाते हो, यानी कि तीर्थ में भी चले जाओ, तो कोई भी अस्थि वस्तु मिले तो उसको देखते ही याद आ जाता है कि इसको मेरे लड़के के बेटे के लिए ले जाना है, बड़े पोते के लिए ले जाना है या बहू के लिए ले जाना है। कुछ भी देखते हैं तो यही आता है मन में। लेकिन भक्त अगर कहीं भी जाता है, उसे जो वस्तु दिखता है वो पहले यही याद आता है कि ये मैं लेके जाऊं और अपने ठाकुर जी को पहनाऊं तो कैसा हो। तीर्थ में भी जाएगा तो यही सोचेगा कि अपने प्रभु के लिए यहाँ से क्या लेके जाऊं, क्या खिलाऊं। तो बस मन मन में ठान लिया कि गिरिराज जी को, श्रीनाथ जी को यही पुष्प माला ले जाके चढ़ाना है। तो उनसे जाके पूछा कि भैया ये फूल मेरे को दे दे, तो कितने रुपए की। तो उसने कहा भैया एक आने में। इतने में वहीं से घोड़े पे सवार होकर अकबर का एक मंत्री जा रहा था, और उस मंत्री ने जब उस पुष्प को देखा तो उसके मन में आया कि अपनी प्रियसी याद आई, प्रेमिका याद आई कि मैं इसे अपनी प्रियतमा को दूंगा तो वो खुश हो जाएगी। इसीलिए उसने मन में भी ठान लिया कि ये पुष्प हम ही लेके जाएंगे। तो जाके उसने कहा पुष्प वाले को कि ये फूल हमें दे दे। तो उसने कहा भैया जी हम तो इन्हें पहले बोल चुके कि एक आने में ये फूल देंगे। तो ठीक है, अगर तू इसे एक आने में इन्हें दे रहा है तो मैं तुझे 5 आने दूंगा, तू मुझे दे दे। अब भक्त घबरा गया। उसने सोचा अगर ऐसे कैसे, हम तो मन ही मन ठाकुर जी को अर्पित कर चुके हैं, जो वस्तु भगवान को अर्पित हो गई, अब उसे भला कोई दूसरा कोई कैसे ले ले। उसने कहा भैया ये 5 आने दे रहा है, मैं तुझे 10 आने दे रहा हूँ, ये पुष्प हमें दे दे। अकबर का मंत्री बोला अच्छा इतनी हिम्मत तेरी, ये 10 देगा हम तुझे पूरा 1 रुपया देंगे, ये पुष्प हमें दे दे। भक्त ने कहा ये कोई अभिमान में नहीं कह रहा था, मंत्री अभिमान में बोल रहा था पर भक्त अभिमान में नहीं बोल रहा था, तू 1 रुपया में नहीं भैया मुझसे 5 रुपया ले ले। तो अकबर का मंत्री बोला तू जानता नहीं हम कौन है, तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ, मेरा मंत्री मैं किसका मंत्री हूँ, तू नहीं जानता है मेरा सरकार कौन है। भक्त ने कहा कि मैं तो तेरे सरकार को नहीं जानता, पर मेरे सरकार के सामने सारी सरकार फेल हो जाती, वो ऐसी सरकार है, ना तो भक्त माना ना मंत्री जी माने, मंत्री जी भी चढ़े ही जा रहे, कभी 50 रुपये कभी 100 रुपये, ऐसे करते करते 1000 रुपये तक पहुँच गए। अब उस समय 1000 रुपये लाखों करोड़ों के बराबर थे, अब क्या करें। मंत्री जी घबराए। मंत्री जी ने सोचा कि ये तो हो गया पागल,
इतने रुपए का अपने प्रेयसी को कोई अगर हीरा मोती पन्ना चढ़ा दूं तो वो ज़्यादा खुश हो जाएगी, इस फूलों का क्या करना। कहा पुष्प वाले को, भैया इसी को दे दे, 1000 रुपये में तू इसी को दे दे, कह के चला गया। अब भगत क्या करे, अब उसने तो वादा कर दिया फूल वाले को कि हम देंगे तुझे पैसे, अब इतने पैसे आए कहाँ से। तो पुष्प वाला कहा कि अब तो तुमको देना पड़ेगा, तो उसने तुमने उसके सामने ऐसा बोला था, क्या करे। तब भक्त ने कहा, भैया कोई बात नहीं, हम अपना वादा भी नहीं तोड़ेंगे। इसलिए उस भक्त ने अपना जो घर है उस घर को गिरवी रख दिया, अपना घर गिरवी रख दिया कि भैया ये हम घर गिरवी रखते हैं और इस पुष्प के मूल्य तुम्हें देते हैं। इस भाव को देखिए कि एक पुष्प लेने के लिए उसने अपने घर को गिरवी रख दिया और पुष्प लेकर चला गया। हो गई थी, इसलिए सोचा कि जब तक गोवर्धन पहुंचूंगा तब तक विश्राम हो चुका होगा, तो इसीलिए उस भक्त ने मथुरा में ही बैठकर एक पेड़ के नीचे मन ही मन श्रीनाथ जी का ध्यान किया और पुष्प की माला बनाई और मन ही मन बनाकर मानसिक रूप से श्रीनाथ जी को अर्पित कर दिया। और भाव देखिए, ऐसा अद्भुत भाव हुआ कि यहाँ पर श्री भक्त अपने मथुरा में बैठकर मानसिक रूप से पूजन कर रहा है और इधर श्रीनाथ जी के मंदिर में आरती चल रही थी, पुजारी जी आरती कर रहे थे, सब भक्तगण सामने खड़े खड़े दर्शन कर रहे थे श्रीनाथ जी का। और दर्शन करते 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 सारे जितने वहाँ पर भक्त थे सबने देखा आरती हो रही थी, यहाँ भक्त पर माला, भक्त ने माला पहनाई और मथुरा में और यहाँ पर गोवर्धन में श्रीनाथ जी ने सबके देखते देखते अपने मूर्ति में अपने सर को झुका लिया माला पहनने के लिए, पुष्प माला पहनने के लिए सर झुका लिया। और वहाँ पे श्री मथुरा में ही उन्होंने ध्यान करते हुए माला अर्पण किया। यह है भाव, यह है भाव। तो आशा करते हैं आप सभी को ये सत्य घटना पे आधारित ये कथा श्रीनाथ जी की अच्छी लगी होगी और हम सभी को, सभी भक्तों को ऐसे ही भाव निष्ठा और प्रेम से श्री कृष्ण जी की, श्री भगवान की, वासुदेव की इसी तरह भावपूर्वक पूजा करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम।